जहाँ बहुत सारा क्राउड हो, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो, कम समय में बहुत सारा मटेरियल डिलीवर करना हो, वहाँ पे ये अप्रोच कारगर साबित होगा। तो अगर देखा होगा आपने हेड्स एक रजिस्टर लगाते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट रजिस्टर है ना, कि मान लो एक ही विषय के दो तीन टीचर्स हैं, दो नहीं आए, केवल एक ही उपस्थित है, टीचर को क्या करना पड़ता है, फिर दो तीन सेक्शंस को कंबाइन करना, तो वहाँ पर ये अप्रोच काम। लेकिन जब हम लर्निंग की या बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ ये अप्रोच उतनी कारगर साबित नहीं होती। इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है।